So in first year chemistry, I am going to start a new chapter today, that is chapter number 6, chemical equilibrium. तो आज हम chemical equilibrium एक chapter है, start करने वाले हैं केमियाई तवाजुन, जिसको हम कह सकते हैं उर्दू. And this chapter is actually based upon problems or numericals. ज़्यादातर इससे numericals ask किए जाते हैं exams में, और some of the very difficult numericals of first year chemistry are present here in this chapter. So that's why I'm going to start it. Equilibrium किसे कहते हैं? पहले तो इस वर्ड पे हम बात करते हैं, equilibrium क्या चीज़ होती है. देखो, एक तो equilibrium होता है physics के अंदर, मतलब तवाजुन, ठीक है. अगर ये marker है मेरे हाथ में, अगर इस वक्त रखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ये marker इस वक्त equilibrium में है, ठीक है, तवाजुन में है. तो chemistry के अंदर equilibrium क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी different चीज़ होती है, slightly different चीज़ होती है. chemical reactions के अंदर जो equilibrium पाई जाती है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट किसे कहते हैं. तो इससे पहले कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को समझो, आपको समझना पड़ेगा रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि कितनी तरह के रिएक्शंस होते हैं. तो याद रखो, रिएक्शंस को डायरेक्शंस के लिहाज से दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन. वन इज आवर इरिवर्सिबल रिएक्शन, सेकेंड इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन. इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? इट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली. ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो रिवर्स नहीं हो सकेंगे. मतलब इसमें क्या होगा, रिएक्टेंट जस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बैकवर्ड रिएक्शन कोई नहीं होगा जिसमें. और रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो सकते हैं, जो रिवर्स हो सकते हैं, जो रिवर्स होने के काबिल है, जिनमें रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज होने की भी कैपेबिलिटी रखता हो. तो ऐसे रिएक्शन जो कि दोनों साइड में मूव करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है. सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, इट गोज टू कंप्लीशन. इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना, वो कंप्लीट हो जाते हैं, 100% रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाते हैं रिएक्शन ये. बट इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इट नेवर गोज टू कंप्लीशन. ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते. रिएक्टेंट जैसे ही प्रोडक्ट बनना शुरू होगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा. जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, रिएक्शन कभी भी फाइनली जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, फिनिश नहीं हो सकेगा, खत्म नहीं हो सकेगा. तो ये एक फर्क होता है और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में, कि ये कंप्लीट हो जाता है और ये कंप्लीट नहीं होता, बीच में कहीं पर स्टक हो जाता है रिएक्शन, ये रुक जाता है, हाल्ट हो जाता है. थर्ड है, देयर इज नो इक्विलिब्रियम स्टेट. इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर कोई इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होती है, कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है. इसलिए इस चैप्टर के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम में हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात नहीं करते, हम सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, ठीक है. फोर्थ, अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, सो इट इज अनदर टॉपिक जो इसके बाद डिफरेंस को बताने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट. अच्छा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम किस सिंबल से शो करते हैं, उनको हम एरो से शो करते हैं, सिंगल हेडेड एरो, सिंगल हेडेड एरो से शो किया जाता है. बस अब ये शो कर रहे हैं कि रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड से बैकवर्ड की तरफ ही मूव कर, मतलब फॉरवर्ड ही मूव कर रहा है, रिएक्टेंट सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा है. जबकि इसको किससे शो किया जाता है भाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस को डबल हेडेड एरो से. डबल हेडेड एरो ये शो कर रहा होता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है और बैकवर्ड भी मूव कर रहा है. तो इस तरह से जब भी कोई रिएक्शन लिखा हो तो वो रिवर्सिबल है, और इस सिंबल के साथ जब लिखा हो तो वो इरिवर्सिबल है. मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन नेचर आर इरिवर्सिबल. ज्यादातर रिएक्शन जो नेचर में होते हैं वो कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स नहीं हो पाते. रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाते हैं पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बनता. जैसे लकड़ी है, लकड़ी को जला के आपने कोयला बना दिया, तो क्या कोयले से वापस लकड़ी हासिल कर सकते हो, नहीं. तो ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है. लोहा है, लोहे को हवा में रख दिया तो लोहे में जंग लग गया, ठीक है, तो क्या जंग से वापस लोहा हासिल कर सकते हो, नहीं हो सकता, ऐसा इरिवर्सिबल है, ठीक है. तो ज़्यादातर नेचर में रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं. बायोकेमिकल प्रोसेस ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं. जैसे एजिंग है, एक बच्चा है वो बूढ़ा हो गया, क्या बूढ़ा दोबारा बच्चा बन सकता है, नहीं, रिवर्स नहीं जा सकता, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. डाइजेशन है, आप रोटी खाते हैं, खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, आखिरकार एक्सक्रीटा में कन्वर्ट हो जाता है, फेसिस में कन्वर्ट हो जाता है. क्या एक्सक्रीटा से वापस खाना निकल सकता है, नहीं, ये सिर्फ फॉरवर्ड ही मूव करेगा, ठीक है, बैकवर्ड नहीं हो सकता. और बहुत थोड़े ऐसे रिएक्शंस होते हैं नेचर के अंदर जो कि कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्स हो पाते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने हेबर बोश प्रोसेस लिखा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जब अमोनिया बनाते हैं
तो ये अमोनिया वापस नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जब सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वापस SO2 और O2 में कन्वर्ट हो सकता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये N2O4 में कन्वर्ट हो रहा था डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में, यही डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वापस NO2 में कन्वर्ट हो सकता है। ये सिंपल अगर हम एग्जांपल घर में ले लें तो पानी है, पानी को आप बर्फ बना सकते हैं पिघला के। क्या बर्फ से वापस पानी बनाया जा सकता है? बिल्कुल, पानी को बर्फ और बर्फ को पानी बहुत बार आप बना सकते हैं, तो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? रिवर्सिबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस आपको बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या फर्क है। रिवर्सिबल रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है और इरिवर्सिबल सिर्फ फॉरवर्ड मूव करता है, और रिवर्सिबल फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों मूव करता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं होता और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल हैंडेड एरो से शो करते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को डबल हैंडेड एरो से शो करते हैं। इरिवर्सिबल ज्यादातर रिएक्शन नेचर में इरिवर्सिबल हैं और बहुत थोड़े से रिएक्शन कैसे हैं? रिवर्सिबल हैं। तो कुछ मैंने यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन बताए, लकड़ी का जलना इरिवर्सिबल है और अमोनिया का बनना हेबर-बॉश प्रोसेस से ये रिवर्सिबल है। क्लियर ये सारी बात है? ओके क्लास, नाउ हम डिस्कस करते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट क्या चीज़ होती है। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट है क्या चीज़ असल में? तो अ स्टेट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। हर एक रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और वो स्टेट क्या होती है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, रेट मतलब स्पीड, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड से मुराद कि जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और बैकवर्ड रिएक्शन मतलब जिस स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर जिस पॉइंट पर उनकी स्पीड सेम हो जाए, बराबर हो जाए, कि जिस तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो उसी तेजी से अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो सूरत में हम उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। और इक्विलिब्रियम स्टेट के दौरान होता क्या है कि द रिएक्शन सीम्स टू हाल्ट या द रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप एट इक्विलिब्रियम स्टेट, बट इट इज गोइंग ऑन बोथ द डायरेक्शन विद सेम स्पीड, सो इट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो इक्विलिब्रियम स्टेट आती है उसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक मतलब होता है मोशन। देखो, दो तरह की इक्विलिब्रियम होती है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होती है और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। मिसाल के तौर पे ये मार्कर अगर रेस्ट में इस वक्त मौजूद है मेरे हाथ में, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर ये मूव कर रहा हो तब भी इक्विलिब्रियम में होगा, बट उसको हम कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जब उसकी एक्सेलरेशन मतलब कोई भी ना हो, जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। बिल्कुल वैसे ही रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो इक्विलिब्रियम होती है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है। क्यों? क्योंकि जब एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है। रिएक्शन सीम्स टू स्टॉप, सीम्स टू हाल्ट, कि रिएक्शन रुक चुका है। एक हद तक जाने के बाद रिएक्शन अब स्टॉप हो गया, लेकिन ये आपकी भूल है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, रिएक्शन तो कंटिन्यू है, लेकिन जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है उसी स्पीड से बैकवर्ड मूव कर रहा है। जिस तेजी के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट बढ़ रहा है उसी तेजी के साथ प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनना शुरू हो जा रहा है, तो ऐसा फील हो रहा है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा, बट वो रिएक्शन कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है, तभी हम उसको कहते हैं कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन चल रहा है, लेकिन फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्पीड में सेम चल रहा है, तो क्या हो रहा है? बराबर हो जा रहा है, तो रिएक्शन लग रहा है कि रुका हुआ है। समझ में आ रही बात मेरी क्या बता रहा हूँ? तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और एक ग्राफ की सूरत में इसको हम समझते हैं। कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसीडर करते हैं, बहुत एक फेमस रिएक्शन है NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये बन जाते हैं N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। NO2 ब्लू कलर का होता है और N2O4 रेड कलर का होता है। और इसको आप किस तरह से करते हैं? इसको आप हीट करते हैं। जब आप हीट करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये डार्क ब्लू होता है और ये डार्क रेड होता है। लेकिन रिएक्शन में होगा क्या कि जब आप रिएक्शन करते रहेंगे हीट अप करते रहें, ब्लू कलर आहिस्ते आहिस्ते रेड कलर में कन्वर्ट होना शुरू होगा और एक टाइम आएगा कि लाइट रेड कलर हो जाएगा पूरे बीकर का, सॉल्यूशन का लाइट रेड कलर हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, डार्क रेड हो ही नहीं पाएगा। मतलब रिएक्शन कहीं ना कहीं बीच में स्टॉप हो गया है, इससे पहले कि कंप्लीट मतलब 100% NO2 N2O4 में कन्वर्ट नहीं हो सका है। तब ऐसा कैसे होता है? इसको एक चार्ट ग्राफ की सूरत में समझो कि ये मैंने ग्राफ बनाया है, ग्राफ में दो एक्सेस बना दिए,
एक आपके पास y एक्सिस है एंड दिस इज योर x एक्सिस। x एक्सिस पर मैंने टाइम रख दिया और y एक्सिस पर मैंने कंसंट्रेशन रख दी। कंसंट्रेशन मतलब उसकी मोलारिटी कह सकते हैं आप, मोल्स पर डीएम क्यूब में भी हो सकती है ये। और यूनिट टाइम में जितना कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होता है वही रेट ऑफ रिएक्ट कहलाता है, स्पीड कहलाती है रिएक्शन की। मैंने दो यहाँ पर कर्व ड्रॉ किए, एक ब्लू कलर से शो किया जो रिएक्टेंट का कर्व है और एक जो मैंने रेड कलर से शो किया ये प्रोडक्ट का कर्व है। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो क्या था कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा था, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था, ब्लू कलर की लाइन मतलब एन ओ टू ये बहुत ज़्यादा थी। टाइम टू टाइम क्या, जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो क्या हो गया, रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है, रिएक्टेंट कम होगा ना टाइम टू टाइम। तो ये देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डाउन हो रही, 50, 40, 30 कम हो रही है टाइम गुजरने के साथ साथ। अब यहाँ देखो प्रोडक्ट में इसका उल्टा हो रहा होगा, शुरू में प्रोडक्ट जीरो होगा, दिस इज जीरो पॉइंट ऑरिजिन ग्राफ पे, और टाइम टू टाइम क्या होगा, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी, ऐसे होगा बढ़ रहा है प्रोडक्ट 10, 20, 30, 40। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ रहा है, ये पॉइंट चेक करो, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है कि जिस स्पीड के साथ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन देख लो कॉन्स्टेंट हो गए यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और यहां पर देख लो इस पॉइंट पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गई। अब ग्राफ ऊपर या नीचे नहीं जा रहा, तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया है जिस पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो गई है और दोनों के कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो गए। ये वाला जो स्टेट, ये वाला जो पॉइंट है, जो समझ लो कि 40 सेकंड के बाद आया, 40 सेकंड के बाद आया, ये वाला पॉइंट कहलाता है इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। कि जिस स्टेज पर क्या होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है और आपको इस स्टेज पर ऐसा लगता है कि रिएक्शन हाल्ट हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, बट रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में कंटिन्यू है सेम स्पीड से, इसलिए आपको रुका हुआ फील हो रहा है। बस समझ में क्लियरली क्या बता रहा हूँ, इसमें क्या कंप्लीट समझाने की कोशिश की मैंने, ठीक है लिखो। ओके नाउ वी आर गोइंग टू डू अ डेरिवेशन हेयर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर हम एक डेरिवेशन करने वाले हैं चैप्टर 6 में, जिसकी मदद से क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, वो न्यूमेरिकल्स जो अच्छा एक ही फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसी फॉर्मूले से हम डिफरेंट तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे चैप्टर 6 में। तो एक लॉ डिस्कस करने वाले हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको हम इक्विलिब्रियम लॉ भी कहते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह दो, इक्विलिब्रियम लॉ कह दो, दे बोथ आर सेम थिंग्स। और ये लॉ पेश किसने किया था, दिस लॉ वॉज गिवन बाय टू स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट, दो स्कैंडिनेवियन साइंटिस्ट ने इसको पेश किया था। स्कैंडिनेविया इज एक्चुअली अ रीजन इन यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन तीन कंट्रीज को नॉर्मली कहा जाता है स्कैंडिनेवियन नेशंस, ठीक है। तो इनमें से किसी एक कंट्री में ये दो साइंटिस्ट पैदा हुए थे, एक नाम था गोल्डबर्ग और एक नाम था वेज। ये WWE का रेस्लर गोल्डबर्ग नहीं है, ठीक है, ये गोल्डबर्ग है, जी यू है उसमें गोल्ड, GOLD होता है। गोल्डबर्ग और वेज ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम लॉ को पेश किया था। अब ये लॉ क्या कहता है रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में, ये कहता है, अच्छा यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ये कहता है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये लोग ये कहता है कि जब कभी कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करती है, उसके रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास पर, एक्टिव मास मतलब कंसंट्रेशन, मोल्स पर डीएम क्यूब, ठीक है, मोलैरिटी, तो या उसके कंसंट्रेशन, उसके इर्तिकास। कि जब भी फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा, बैकवर्ड मतलब प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट बन रहे होंगे तो वहाँ एक्टिव क्या चीज़ है, एक्टिव प्रोडक्ट है, तो फिर किस चीज़ पर स्पीड डिपेंड करेगी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी। कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो एक्टिव मास, जो एक्टिव क्या होता है, रिएक्टेंट एक्टिव है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी उतना ही फास्टर रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यही चीज़ है, कहते हैं कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है, उसकी जो रेट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगी भाई, वो एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होगी। एक्टिव मास किसका, रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट का एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन, और बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट का एक्टिव मास या उसकी कंसंट्रेशन। क्योंकि जब फॉरवर्ड रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट एक्टिव होता है तो उसका एक्टिव मास, उसकी कंसंट्रेशन होगी, और जब बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है तो फिर प्रोडक्ट एक्टिव हो जाता है, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है रिएक्टेंट में, तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उसका एक्टिव मास हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट सिंपल से इसकी आ गई, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अगर हम उसके मैथमेटिकली लिख सके तो क्या लिख देंगे भाई, कि रेट ऑफ रिएक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या
प्रोडक्ट, ये डिपेंड करेगा कि फॉरवर्ड रिएक्शन है कि बैकवर्ड रिएक्शन है। अब इसी पर हम एक डेरिवेशन करते हैं कि कंसीडर करें एक होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन को। होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा? होमोजेनस रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन से मुराद होता है कि होमो मतलब होता है सेम और जीनस मतलब होता है स्टेट या फेस, कि सारे रिएक्टेंट्स और सारे प्रोडक्ट एक ही फेस में हो, या सारे के सारे सॉलिड हो, या सारे के सारे लिक्विड हो, या फिर सारे के सारे गैसेस हो। इस स्टेट पर हम कोई रिएक्शन देखते हैं, होमोजेनस रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं। जैसे कि मैं रिएक्शन लिख देता हूं कि m मोल्स ऑफ a रिएक्ट्स विद n मोल्स ऑफ b टू फॉर्म, अब चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, x मोल्स ऑफ y प्लस सॉरी x मोल्स ऑफ c प्लस y मोल्स ऑफ d। m मोल्स ऑफ a जब n मोल्स ऑफ b से रिएक्शन करते हैं तो x मोल्स ऑफ c और y मोल्स ऑफ d की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों स्पीड पर मूव कर रहा है, दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अगर हम इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, हमें यह बात पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी हो जाएगी भाई? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब रिएक्टेंट यहाँ पर ए है तो लार्ज ब्रैकेट में हम कंसंट्रेशन लिखते हैं, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन लिख देंगे साथ साथ, और जो कोफिशेंट है उसको हम एक्सपोनेंट बना देंगे। जो कोफिशेंट एम है ना, तो ये ए के ऊपर पावर आ जाएगी और ये एन जो है वो बी के ऊपर पावर आ जाएगी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू लगाकर कॉन्सेंट्रेटेड यूज करते हैं, तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू क्या हो गया? कॉन्सेंट लगाएंगे, कॉन्सेंट लगा देते हैं के एफ, और ए के साथ फिर हमने एम लगा दिया और बी के साथ हमने एन लगा दिया। अब यहां पर के एफ क्या चीज है, यहां पर मैं बता देता हूं इसमें कि हेयर के एफ इज के से मुराद है रेट कांस्टेंट, चैप्टर 8 में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट के बारे में। तो हेयर के एफ इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है ये उसका रेट कांस्टेंट के एफ, ठीक है। इसको हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन वन बना देते हैं। अब इसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड चेक कर लेते हैं कि रेट ऑफ, अगर बैकवर्ड रिएक्शन हो रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा भाई? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट क्या है? सी और डी। अब कोफिशिएंट ऑफ पावर बन जाएगी तो सी के ऊपर पावर एक्स और डी के ऊपर पावर वाई। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई? इक्वल टू लगाना पड़ेगा और कॉन्स्टेंट लगा दें। अब के एफ के बजे क्या लगा देंगे? के बी, ठीक है। सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई, एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और हम एक चीज जानते हैं कि अगर लेट से सपोज कर लेते रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, पिछले मतलब टॉपिक में मैंने बात बताया इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या होता है, कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर किसकी हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के बराबर हो जाती है, ठीक है। जब भी हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट रीच करता है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाती है। इसके मतलब इक्वेशन वन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्वेशन बी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इक्वेशन वन जो है वो इक्वेशन टू के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब है, ठीक है, दोनों को बराबर ले लेते हैं। तो इक्वेशन वन क्या आ गया? के एफ इज दैट इज कंसंट्रेशन ब्रैकेट ए की पावर एम और बी की पावर एम, ये बराबर हो गया के बी सी की पावर एक्स और डी की पावर वाई, सही है भाई? क्या कि इक्वेशन वन और टू को जो है वो हमने इक्वल टू ले लिया, ठीक है, इक्वेशन वन इसके बराबर है, इक्वेशन बी इसके बराबर है, इक्वेशन टू। अब रेट कॉन्सेंट वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, कंसंट्रेशन वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं। ये जो ब्रैकेट है कंसंट्रेशन ब्रैकेट कहलाती है, इसके अंदर हमेशा कंसंट्रेशन लिखा जाता है, मोलरिटी मोल्स पर डीएम क्यूब लिखा जाता है। तो के एफ अपॉन के बी ये बराबर हो जाएगा सी की पावर एक्स डी की पावर वाई अपॉन ए की पावर एम और बी की पावर एन। अभी के एफ अपॉन के बी को रेट कॉन्सेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कॉन्सेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को हम मिलाकर लिख देते हैं के सी, के सी इज इक्वल टू सी की पावर एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर वाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर एन। और यहाँ पर हेयर वी हैव ड्राइव
द इक्वेशन। तो यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पर इसको ड्राइव कर लिया, ठीक है। केसी की डेरिवेशन यहाँ पर मैंने आपको कराई थी। यहाँ केसी क्या चीज़ है इसको बता देता हूँ कि हेयर केसी इज कॉल्ड, यहाँ पर केसी को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में मैं आपको और डिटेल देता हूँ। तो इसका मतलब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है, मतलब सी और डी की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दी ए और एम की कंसंट्रेशन, ए और बी की कंसंट्रेशन से। सी और डी क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है, और ए और बी क्या चीज़ है, रिएक्टेंट है। तो इसी वाली बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और कि केसी बराबर हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है भाई। एंड दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज इन द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट के, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, और सेकंड फिर हमने क्या किया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन को लेट करके लॉ ऑफ मास एक्शन को उस पर अप्लाई किया, और एक केसी नाम के कॉन्स्टेंट यहां पर हमने ड्राइव किया जो बराबर किसके होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के। तो अगर आपसे एमसी न्यूमेरिकल्स के अंदर केसी को फाइंड आउट करने कहा जाए तो फिर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को इसलिए आप डिवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर है, सबसे समझ में आ गई, लिख लें उसके अलावा। सो अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन डिस्कस किया और लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने केसी को कैलकुलेट किया कि केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैं डिटेल में आपको बताता हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में कि ये केसी जो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये असल में क्या चीज़ होती है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट करते हैं केसी से, के कैपिटल और सी स्मॉल बना देते हैं सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और ये हो है क्या केसी, क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट द रेशो बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट अगर रीच कर जाएगा तो फिर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच कंसंट्रेशन का जो रेशो होगा, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसको हम लोग क्या कहेंगे, केसी कहेंगे। अभी हमने डेरिवेशन में देखा। नेक्स्ट क्या है कि इट इज द रेशो बिटवीन रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और केसी को हमने किस तरह से निकालना था कि केसी बराबर है के एफ अपॉन के बी, मतलब रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड और रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को जब हम डिवाइड करते हैं तो फिर केसी आता है। तो इट इज द रेशो बिटवीन टू रेट कांस्टेंट, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के भी, और यही केसी बराबर होता है के एफ अपॉन के बी के भी, ठीक है। दो अलग अलग डेफिनेशंस निकल गई। द वैल्यू ऑफ केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट क्या मतलब होता है, आजाद, फ्री, सॉरी यहां पर मैंने टेम्परेचर लिख दिया, यहां पर होगा कंसंट्रेशन। द वैल्यू ऑफ केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, केसी की वैल्यू का कंसंट्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। या कंसंट्रेशन का किसी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप किसी रिएक्शन में कंसंट्रेशन बढ़ा दें या कम कर दें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की वैल्यू हमेशा सेम निकलती किसी एक रिएक्शन के लिए। मिसाल के तौर पर एसिडिफिकेशन एक रिएक्शन है, अगर वो हो रहा है तो उसके लिए किसी की वैल्यू 4 निकलेगी। अब आप चाहे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ा दें या कम कर दें, हमेशा उसकी वैल्यू 4 ही निकलनी है, बट वो 4 की निकले कम निकलेगी एट द फिक्स टेम्परेचर। तो केसी की वैल्यू टेम्परेचर के तो इंडिपेंडेंट है, सॉरी कंसंट्रेशन के तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन टेम्परेचर के वो डिपेंडेंट है। टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू डिपेंड करती है। टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करती है कि द वैल्यू ऑफ केसी बिकम्स डबल आफ्टर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू डबल हो जाती है। मतलब मिसाल के तौर पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर केसी की वैल्यू 4 है किसी रिएक्शन के लिए, 10 डिग्री बढ़ा दो 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, तब केसी की वैल्यू 4 से डबल हो जाएगी, 8 हो जाएगी। हर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू डबल हो रही होती है। इससे क्या समझ में आता है, केसी की वैल्यू का कंसंट्रेशन पर तो कोई इनसार नहीं है लेकिन टेम्परेचर पर उसकी डिपेंडेंसी है। तो किसी फिक्स टेम्परेचर पर केसी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी चाहे कंसंट्रेशन कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ही अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो फिर केसी की वैल्यू उसके साथ साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसी को हम कहते हैं डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर बट इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये बता रहा हूँ कि गैसेस इक्विलिब्रियम, अगर गैसेस इक्विलिब्रियम है मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट सारे के सारे गैस हैं, तो केसी के साथ साथ केपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका पी फॉर प्रेशर केसी के साथ केपी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। केपी भी जो है वो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ही होता है, बट इट इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर गैसेस रिएक्शन। अगर गैसेस रिएक्शन होते हैं तो इन दैट केस
हम केसी के साथ केपी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और केपी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर यूज कर सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बजाय कंसंट्रेशन इस्तेमाल करने के। ठीक है, जैसे केसी बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और केपी किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और पार्शियल प्रेशर्स की बात की जाएगी कि जो डिफरेंट अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग मॉलिक्यूल्स के पार्शियल प्रेशर्स होंगे उनको देखा जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे आप एक इक्वेशन में आपको सपोज करवा रहा हूँ, ए और बी मिलकर बन रहा है सी और डी, ये रिएक्टेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे गैसेस हैं, मतलब गैसेस इक्विलिब्रियम है, तो केसी तो बराबर हो जाएगी कि कंसंट्रेशन को डिवाइड कर दीजिए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, तो और केपी किसके बराबर होगा, सी और डी के प्रेशर को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो ए और बी के प्रेशर से। तो अब जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा उसको हम के पी बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पर प्रेशर इस्तेमाल किया आपने। ठीक है, तो गैसेस इक्विलिब्रियम के लिए, गैसेस रिएक्शंस के लिए केसी के साथ साथ के पी भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेवंथ में क्या है कि केसी और केपी के बीच का क्या रिलेशनशिप है, क्या केसी और केपी की वैल्यू किसी गैसेस रिएक्शन के लिए हमेशा सेम आती है या अलग आती है, तो उसके लिए कुछ हमारे पास रूल्स हैं वो देखने पड़ेंगे एमसीक्यूज इसमें अटेम्प्ट करने के लिए, एमसीक्यूज आ सकते हैं इस टॉपिक से, कि अगर रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट के मोल के बराबर हैं अगर, तो फिर केसी और केपी बराबर हो जाएंगे, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मोल बराबर हो। जैसे यहाँ पर देख ले इक्वेशन H2+I2HA, तो ये वन मोल और वन मोल, यहाँ पर टू मोल हो गया और ये भी टू मोल है, तो दोनों रिएक्टेंट के मोल सब प्रोडक्ट के मोल बराबर है, तो यहाँ केसी केपी बराबर होगा। अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा है प्रोडक्ट के मोल से, तो केसी बड़ा होगा केपी से। मिसाल के तौर पर ये इक्वेशन देख लें, यहाँ पर टोटल 3+1 4 मोल्स हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से, तो केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी केपी से। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर रिएक्टेंट के मोल्स कम हो प्रोडक्ट के मोल से, तो फिर क्या होगा, केसी भी कम हो जाएगा केपी से। जैसे यहाँ पर देखो PCl5 एक मोल है और प्रोडक्ट भी कितने मोल है, 2 मोल्स हैं, तो यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल कम है प्रोडक्ट के मोल से, तो क्या होगा, केसी की वैल्यू कम होगी केपी से, तो प्रोडक्ट ज़्यादा हो गया यहाँ पर। तो केसी और केपी के बीच रिलेशनशिप हमें यहाँ से पता लग सकती है, तीन पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है, कि कब केपी और केसी बराबर होते हैं, कब केसी बड़ा होता है केपी से, और कब केसी छोटा होता है केपी से, तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इन बातों को याद रखें। और जब बात आती है केसी की यूनिट्स की, नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं, समझते हैं कि केसी की कोई यूनिट नहीं होती जब आप उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऐसी बात नहीं है, केसी की यूनिट होती है, बट इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी रिएक्शन, हर रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू अलग होती है, वी हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ केसी फॉर एवरी रिएक्शन, हर एक रिएक्शन के अलग अलग हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से अंदर हम बात करेंगे कि केसी को किस तरह से न्यूमेरिकल में फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से केसी की यूनिट्स लिखी जाती हैं। ठीक है, तभी मैंने आपको डिस्कस किया केसेस के बारे में कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, आज मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम स्टेट क्या चीज़ होती है, लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन की, और लॉ ऑफ मास एक्शन में जो हमें केसी मिला था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके बारे में एक्सप्लेन किया कि केसी क्या चीज़ होती है। तो थ्योरेटिकली जो बातें थी इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर 6 में, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं आज। ठीक है, लेक्चर के अंदर।